अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका में जो पेट्रोल का प्राइस क्या है, एक लीटर का प्राइस क्या है अमेरिका में, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में खुद ही पेट्रोल भरना होता है, ठीक है। ये इंडिया जितना लग्जरी नहीं है कि आप खिड़की से ही पैसे दे दो कि ये लो भाई ये मेरा कार्ड लो या फिर पैसे लो और भर दो, इतना लग्जरी नहीं है यहाँ पे इंडिया के जितना। तो यहाँ पे खुद उतरो अपनी गाड़ी से और खुद ही पेट्रोल भरो। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि और क्या क्या सामान मिल जाता है पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जैसे एक कन्वीनियंस स्टोर होता है, काफ़ी बड़ी दुकान होती है उसके साथ में, तो उसमें मिल जाता है। जैसे आपको अगर सैंडविच खरीदना है, पिज़्ज़ा खरीदना है, ठीक है, या कॉफ़ी या फिर कोई भी ड्रिंक खरीदनी है, और इसके साथ में, ठीक है, आपको बियर भी मिल जाती है। अगर आपको बियर खरीदनी है तो बियर मिल जाती है, और मिल जाता है आपको सिगरेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पेट्रोल भरते हैं, और अंदर जाके मैं आपको पूरा कन्वीनियंस स्टोर का मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी आप है ना इस रोड का मजा लीजिए। अभी मैं भरने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आज का जो प्राइस है, डेली यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कल का प्राइस है यहाँ पे $2.70, ठीक है। हर एक पेट्रोल पंप है जो उसका अपना प्राइस वो लोग रख देते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी है, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनी है, तो वो अपना अपना प्राइस अलग अलग रखती हैं, और हर एक स्टेट में ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है प्राइस। जैसे यहाँ पे $2 है तो कहीं सी स्टेट में $3 भी होता है, तो ठीक है। तो पहले हम लोग पेट्रोल भर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ कि कोई ख़तरनाक बाइक लेके जा रहा था। अच्छा, तो मैं अब आपको पास से दिखा देता हूँ कि देखो, अभी मेरे से पूछा है कौन सा आपको ग्रेड चाहिए, तो पहले मैं अपना टैंक खोल दूं, ठीक है। तो मैं इसमें चूज़ करने वाला हूँ, डीजल है, गैस है, और अलग अलग टाइप का पेट्रोल है, जैसे हमारे इंडिया में भी आता है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, ये देखो चालू हो गया है। ओके, तो साउंड आ गई है कि भर गया पेट्रोल, तो हम लोग इसे निकाल के और वापस लगा देंगे, और रिसीप्ट पूछ रहा है तो हम लोग रिसीप्ट लेंगे। कभी कभार रिसीप्ट आती नहीं है, पेपर नहीं डालते हैं, बट अभी थैंक गॉड इन्होंने डाला हुआ है, तो ये आ गई रिसीप्ट। तो अभी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि जो है, अभी जो है ये देखो,
आपको दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो आप, $24 $24 की जो है इसमें, मेरे इसमें पेट्रोल भरा है ये कुछ 9.5 gallon। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक गैलन है, एक गैलन में 4 liter के करीब है, ठीक है। तो अब मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर दी, अब मैं ये अंदर जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि क्या क्या मिलता है अंदर। तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ आपको खाली दिखाने के लिए। वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, इधर सब मिल जाता है। जैसे आपको बियर वगैरह भी लेनी है वो भी मिल जाएगा, और या फिर आपको सिगरेट्स लेनी है या कोई सैंडविच वगैरह खाना है तो हर चीज़ मिल जाती है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये पेट्रोल पंप पे ही मिल जाता है सब सामान। ये सब बियर है, और अगर कोई आपको अपना सैंडविच बनाना है तो आप यहीं पे ही ऑर्डर भी दे सकते हो। जैसे मैंने एक अपनी एक और वीडियो बनाई थी ना मैकडोनल्ड की, तो वैसे ही आप ऑर्डर यहीं से ही दे सकते हो टच स्क्रीन से, ठीक है। यहाँ कॉफ़ी लगी हुई है, खुद ही ग्लास लो, खुद ही आप बना के भर लो। ये देखो, ये सब कॉफ़ी के अलग अलग फ्लेवर हैं। हे बड़ी गुड, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो। नो, फर्स्ट टाइम। See this little goose right here? Uh-huh. It's a secret menu. Oh, really? Yeah. Oh, man, I never know about that. It's always in the bottom left-hand corner. Oh, that's great. This guy knows the secret menu of Wawa. Named Gypsy. Gypsy. Nice meeting you, buddy. Thank you. अभी एक बंदा मिल गया था, मैंने उसे बताया मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, तो उसने मेरे को सीक्रेट बताया, मुझे पता नहीं था। मेरे को बोल रहा था पहली बार आ रहे हो जो वीडियो बना रहे हो, मैं बोला हाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, आप यहाँ पे खुद ही ग्लास लिया, आपको आइस टी लेनी है या फिर कोई भी ड्रिंक लेनी है आप ले सकते हो, ठीक है। चलो जो पीने वालों के लिए दिखाता हूँ, जो काफ़ी पीते खाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सब बियर्स मिल जाती हैं, देखो इसमें बियर हैं। एक और सीक्रेट रूम दिखाता हूँ आपको, ये देखो बियर कूलर अंदर, कितनी बियर लगी हुई है, कोई भी ले लो, इतना चिल्ड हो रखा है ये। ओह मैन, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत ठंडा है। ये देखो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस टाइप की मिलती हैं। एक दिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब तरीके की आपको बियर दिखा दूंगा कैसी मिलती हैं। या हाँ, थैंक यू। बंदे ने मेरे लिए डोर खोला, थैंक यू बोला मैंने इसको। ओके, पानी की बोतल, ये देखो पानी की बोतल, दो बोतल $2.5 की, कितनी महंगी हैं। हमारा इंडिया ही अच्छा है, सस्ता तो मिलता है कम से कम। ये देखो लाइन लगी हुई है सिगरेट खरीदने के लिए, कुछ सामान लेके अंदर। अच्छा, आप लॉटरी भी खेल सकते हो, ये देखो ये लॉटरी है, लॉटरी खेल सकते हो आप। दोस्तों मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या मिलता है इसमें, ठीक है। मैं अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे पेट्रोल पंप पे कैसे गैस भरते हैं, खुद ही भरनी होती है। इंडिया जितना लग्जरी काम नहीं है कि चार पांच बंदे खड़े हुए हैं, आप आते हो यहीं से ही, आपने कार दे दिया तो ठीक है, ये यहाँ पे आए और खुद ही आपको भरना है, ठीक है सबसे पहले ये। फिर मैंने आपको दिखा दिया कि जो यहाँ पे अभी इंडिया में भी काफ़ी खुल गए हैं 24/7, मैंने देखा था दिल्ली में कि वो पेट्रोल पंप पे ही था तो उसमें सब कुछ मिल रहा था, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है कि उधर आपको सिगरेट्स और शराब भी मिल रही है। वही शराब,
खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो दोस्तों शराब भी मिल रही है यहाँ पे, बियर भी मिल रही है, सब मिल रहा है इसके अंदर, आप ले सकते हो। बट आप पी नहीं सकते बाहर, आप शराब कहीं नहीं पी सकते बाहर, अलाउड नहीं है, ना पी के गाड़ी भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो हम लोग मेन बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे आए थे पेट्रोल के प्राइस के लिए, राइट। बट मैंने आपको बाकी चीज़ें भी दिखा दी। तो जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो है, आज का जो प्राइस है $2.53 का, ठीक है, $2.53। और आपको मैंने बताया ये एक गैलन का प्राइस है, और एक गैलन में ऑलमोस्ट 4 लीटर के करीब आता है, मतलब 3.8, ठीक है, 3.8 लीटर आता है 4 लीटर के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 38 रुपये लीटर के हिसाब से, ठीक है, 38 रुपये लीटर का आज का रेट है यहाँ पे अमेरिका में। तो काफ़ी सस्ता है, मुझे आइडिया है शायद आज इंडिया में कुछ रेट, अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, शायद 75 रुपीज़ था, हर स्टेट में अलग अलग है इंडिया में भी। तो शायद जो दिल्ली का रेट है वो 75 रुपये है, और ये यहाँ पे 38 है, तो ऑलमोस्ट आधा प्राइस है दोस्तों, आधा प्राइस, काफ़ी बड़ा अंतर है ये। और ये कंट्री इतनी एडवांस है उसमें भी पेट्रोल इतना सस्ता है, महंगा नहीं है, ठीक है। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, बट कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, ठीक है। अगर आप बल्क में चीज़ें लेते हो ना तो काफ़ी सस्ती हैं, और अगर आप एक एक सिंगल सिंगल आइटम लेते हो तो महंगा है। जैसे मैं पानी की बोतलें भी खरीद के लाता हूँ, बल्क में खरीदता हूँ, तो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जैसे कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे अभी के अमेरिका आने के लिए, तो मैंने कुछ अलग वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप वो देख लीजिए। और अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपका जितना हो सकता है मैं आप लोगों का आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर दोस्तों।